प्रॉब्लम शीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 to 14 हमें सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले आप देखना क्वेश्चन नंबर 7। देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समझना। द मुलिकन सिंबल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज एराइजिंग फ्रॉम प्री आयन टर्म एफ आर। देखो ध्यान देना, एफ टर्म है, एफ टर्म के लिए मुलिकन सिंबल हमसे पूछ रहा है। तो देखो, एफ टर्म के लिए हमने टर्म की स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रखी है। अलग अलग टर्म की स्प्लिटिंग होती है, तो हमको पता है कि जो डी टर्म है, डी टर्म की स्प्लिटिंग कैसे होती है, टी टू जी ए जी होती नहीं होती। इसी तरह एफ टर्म की स्प्लिटिंग भी हमने लिख रखी है। एफ टर्म की स्प्लिटिंग कैसे होती है, एफ टर्म की स्प्लिटिंग होती है कैसे, टी वन जी प्लस टी टू जी प्लस ए टू जी। तो एफ टर्म के लिए मुलिकन सिंबल पूछा है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो देखो ध्यान देना, कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये T1G, T2G, A2G, कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पर आपको देखना है। देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। थ्री बैंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ CrNH3 का होल 6+3। देखो CrNH3 का होल 6+3। देखो क्वेश्चन दोबारा देखना। थ्री बैंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ CrNH3 का होल 6+3 आर ड्यू टू द फॉलोइंग ट्रांजिशंस। यहाँ पर ट्रांजिशन दे रखे हैं आपको। देखो थ्री ट्रांजिशंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ए आपको दे रखा है, देखो ए क्या दे रखा है, 4A2G से 4T1G। देखो 4A2G टू 4T1G, 4T1G। बी आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो 4A2G से 4T2G, 4A2G टू 4T2G। और सी आपको यहाँ पर दे रखा है 4A2G से 2EG। सी दे रखा है 4A2G टू 2EG। अब देख क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए थ्री ट्रांजिशन ए बी और सी दे रखा है। इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ए देखना, ए ऑप्शन देखना। ये दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ ए इज लोवेस्ट। ये बता रहा है कि ए की इंटेंसिटी सबसे कम है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो ए में स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है। इसका मतलब है स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, ये स्पिन अलाउड है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 है, ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो कौन सा हो गया भाई, ये स्पिन अलाउड। अब अपन बात करें बी के अगर बात करें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, ये भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ही होगा। और अपन बात करते हैं सी की। सी में देखो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 4 है जबकि यहाँ पर 2 है, डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। इसका मतलब स्पिन फॉरबिडन होगा, ये ट्रांजिशन हो गया भाई स्पिन फॉरबिडन। अब देखो ये दोनों ट्रांजिशन स्पिन अलाउड है और ये ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन है। और हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा था कि एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन के कंपेरिजन में 100 times ज़्यादा होती है। ध्यान देना क्या बोला, स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की इंटेंसिटी स्पिन फॉरबिडन के कंपैरिजन में 100 times ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये दोनों तो स्पिन अलाउड है, ये स्पिन फॉरबिडन है, इसका मतलब इनकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में 100 times ज़्यादा होगी कम से कम। इसका मतलब है लोवेस्ट जो इंटेंसिटी का है वो तो ये होगा, ये लोवेस्ट इंटेंसिटी का होगा, यहाँ पर लोवेस्ट इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटी। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्पिन फॉरबिडन है। अब वापस ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ ए इज लोवेस्ट। क्या ए की इंटेंसिटी लोवेस्ट है, नहीं भाई, सी की इंटेंसिटी लोवेस्ट है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत होगा। फिर बात करते हैं बी की। बी ऑप्शन यहाँ पर देखो आप, बी क्या दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ सी इज लोवेस्ट। सी की इंटेंसिटी लोवेस्ट है या नहीं है, सी की इंटेंसिटी लोवेस्ट, इसका मतलब बी सही होगा। सी ऑप्शन भी चेक करो, चलो सी क्या दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ ए बी एंड सी आर सिमिलर। ये बता रहा है कि ए बी और सी की इंटेंसिटी समान है, क्या ए बी सी की इंटेंसिटी समान है, नहीं है, सी की इंटेंसिटी कम है और ए बी की इंटेंसिटी ज़्यादा ही, समान नहीं है। इसका मतलब है सी भी यहाँ पर गलत होगा। डी ऑप्शन देखो, इंटेंसिटी ऑफ बी एंड सी आर सिमिलर। ये बता रहा है बी और सी की इंटेंसिटी समान है, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। रीजन क्या है,
स्पिन अलाउड है, ये स्पिन फॉरबिडन है, इसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, बी और सी की इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो हमेशा एक बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके अकॉर्डिंग आंसर बी आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए सी और डी आंसर क्यों नहीं है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय गलती कभी भी नहीं होगी। ये नोट कर लिया भाई सबने, कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन चेक करो, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दे रखा है आपको। देखो इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम वी एच टू का होल सिक्स थ्री प्लस, देखो ये यहाँ पर दे रखा है वी एच टू का होल सिक्स थ्री प्लस एग्जिबिट टू एब्जॉर्प्शन बैंड 17,800, एक तो दे रखा है 17,800 एंड द सेकेंड 25,700 सेंटीमीटर इनवर्स द करेक्ट असाइन ऑफ दीज बैंड्स रेस्पेक्टिवली इज। देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर आप सबसे पहले तो ध्यान देना। देखो इसके अंदर दो एब्जॉर्प्शन बैंड बता रखा है, ये और ये है ना, इसको न्यू वन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको न्यू टू से रिप्रेजेंट कर रखा है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको आपसे यहाँ पर पूछा है। तो देखो सबसे पहले इसका ऑर्गल बनाओ आप, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये हो गया 3D2 का केस, ठीक है ना। 3D2 है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका ऑर्गल किधर बनेगा भाई, D2 D7 का ऑर्गल इस साइड में बता रखा है और D3 D8 ऑक्टा का ऑर्गल इधर है, मतलब इधर वाला ऑर्गल डायग्राम आपको बनाना है। चलो इधर वाला ऑर्गल डायग्राम अपन बनाते हैं, इसके लिए टर्म कौन सी होगी, 3F के साथ और क्या लेना है, 3P लेना ही नहीं लेना। चलो इधर का सेट तैयार करके हम देखते हैं। देखो इधर वाला ऑर्गल बनाओगे तो यहाँ पर टर्म कौन कौन सी आ रही है, देखो 3F और 3P। अब इसके लिए अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, T1G T2G और A2G। और इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भाई हमारे पास 3T1G। मल्टीप्लिसिटी सभी में 3-3 यहाँ पर रहेगी, ये केस हो जाएगा भाई इसके लिए, ये केस ये, और ये इसका हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे, 3P यहाँ पर ये होगा। देखो ध्यान देना, ये इसका ऑर्गल डायग्राम हो गया, कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं थी, आपका काम केवल यहीं से हो रहा था कंप्लीट। देखो डेल्टा O, अब ट्रांजिशन की बात करें तो ये ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है और ये ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, 3 ट्रांजिशन है। लेकिन इसमें देखो केवल दो ही बता रखे हैं ना, एक तो ये और एक ये, देखो ये कम एनर्जी वाला है, ये ज़्यादा एनर्जी वाला है, तो मैच करके देखना आप। देखो ट्रांजिशन तो टोटल 3 है, कौन कौन से है, देखो 3T1G2 3T2G, एक तो ये है, दूसरा आपको दे रखा है 3T1G2, दूसरा दे रखा है 3T1G। देखो ध्यान देना, ये जो T1G ये P का है, ये जो T1G है ये F का है, F का केस है, और नेक्स्ट आपको दे रखा है 3T1G2 3A2G, यहाँ पर ये आपको दे रखा है। अब समझना इसमें आप ध्यान देना, ये T1G ये किसका है भाई, ये F का है, और यहाँ पर जो T1G आ रहा है वो किसका है, ये T1G है, यहाँ पर ये वाला P का है। अब मैच करना इसमें, देखो ए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, देखो न्यू वन इक्वल दे रखा है 3T1G टू 3T2G, देखो न्यू वन इक्वल दे रखा है 3T1G टू 3T2G, ये न्यू वन इक्वल दे रखा है, और न्यू टू इक्वल दे रखा है 3T1G टू 3T1GP, देखो 3T1G टू 3T1GP, ये न्यू इक्वल दे रखा है, न्यू टू इक्वल, देखो क्या ये हो सकता है। देखो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इसकी एनर्जी कम है, एक कम एनर्जी का ट्रांजिशन है, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि 3T1G से 3T1GP इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो देखो कम एनर्जी वाला म्यू वन ये दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 17,800 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25,700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखो ध्यान देना, फिर समझना, ये ट्रांजिशन बता रहा है कम एनर्जी का ट्रांजिशन है, कम एनर्जी का ट्रांजिशन ये वाला,
और यहाँ पर देखो इसको लिंक किया है 17,800 से, और ये जो ट्रांजिशन है ज़्यादा एनर्जी वाला है, ज़्यादा एनर्जी वाले ट्रांजिशन को लिंक किया है इससे 25,700 से, और देखो ये ज़्यादा एनर्जी का ही है, तो कुल मिलाकर इसके साथ ये सेट हो रहा है, इसके साथ ये सेट हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर ए आपका आंसर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए बी सी और डी आपका आंसर क्यों नहीं है। तो देखो बी क्या दे रखा है, बी आपको दे रखा है, देखो बी दे रखा है न्यू वन इक्वल है, न्यू वन इक्वल आपको दे रखा है 3T1G से 3T1GP। देखो ये न्यू वन बता रखा है बी में, 3T1G से 3T1GP ये न्यू वन बता रखा है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी इस ट्रांजिशन के लिए ये बता रखी है, और न्यू टू बता रखा है 3T1G से 3T2GP, और न्यू टू ये न्यू टू बता रखा है 3T1G से 3T2G, 3T2G, T2G तो P में है ही नहीं, P में केवल T1G है, इसका मतलब ये B ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, B ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B ऑप्शन में क्या कर रखा है, न्यू टू को 3T1G से 3T1G से 3T2G P बता रखा है, मतलब T2G को भी P के साथ लिंक कर रखा है, जबकि T2G F के साथ है, P के साथ नहीं, P के साथ केवल T1G ही होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की अपन बात कर सकते हैं, देखो सी ऑप्शन देखो यहाँ पर सी ऑप्शन है 3A2G से 3T1G F, देखो A2G से 3T1G F ये मतलब ऊपर से नीचे ट्रांजिशन बता रखा है इसी में, ऊपर से नीचे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं होता, इमिशन होता है, इसका मतलब सी भी गलत होगा। डी के अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, देखो डी क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है 3A2G से 3T2G, 3A2G से 3T2G ये भी ऊपर से नीचे है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो देखो सी एंड डी तो ऐसे ही कट जाएगा, कैसे, क्योंकि थ्री सी एंड डी में A2G से नीचे की तरफ ट्रांजिशन बता रखे जो कि इमिशन के पार्ट है, इसलिए गलत हो जाएंगे। ठीक है, बी क्यों गलत हुआ, बी में देखो T2G के साथ पी लगा रखा है, जबकि T2G के साथ पी आ ही नहीं सकता, T1G के साथ केवल पी पॉसिबल है, ठीक है ना, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। तो केवल कौन सा सही होगा, ए सही होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन कम एनर्जी वाला है, ये ज़्यादा एनर्जी वाला है, वही आपको यहाँ से पता चल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ में आ गया होगा, ये किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन TiH2 का होल 6 2+। देखो TiH2 का होल 6 2+, इसके लिए एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन पूछा है, तो देखो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू पर यह हो गया, टाइटेनियम प्लस 2, 3D2 का केस हो गया। अब देखो 3D2 का केस है तो यहाँ पर टर्म कौन सी होगी, यहाँ पर टर्म कौन सी होगी भाई, 3F एंड 3P ये टर्म होगी, करने का मतलब अगर इसका मैं ऑर्गल बनाऊंगा तो बिल्कुल सेम ऑर्गल बनेगा ये, अगर केवल मैं इसी ऑर्गल को इसके लिए बनाता हूँ, क्योंकि ये भी तो D2 के लिए ही है, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑर्गल बिल्कुल सेम बनेगा, D2 का केस है, 3F और 3P यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सेम ऑर्गल यहाँ पर बनेगा, तो ट्रांजिशन तो गए कितने भाई, ट्रांजिशन हो गए इसके 3, और जो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो ये हो जाएगी, ये कौन सी होगी, लोवेस्ट एनर्जी की ना, तो देखो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तो हो गई भाई 3T1G, और ट्रांजिशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो गए 3, ट्रांजिशन इक्वल यहाँ पर हो गए 3, ये केस होगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन चेक करो आप, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3T1G एंड 3, ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सबने नोट कर रखा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो सभी क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो इधर, द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ MnCN6-4-, देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दे रखा है आपको MnCN6-4-, देखो मैग्नेटिक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, +2 में यहाँ पर होगा 3D5, और देखो लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 5D ऑर्बिटल होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5,
वन टू थ्री फोर फाइव इलेक्ट्रॉन भरोगे लो स्पिन ऑक्टेट डाले वन टू थ्री फोर फाइव ये तो प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू ये। अगर मुझे इसके लिए ऑर्गल बना इसके लिए मुझे यदि टर्म सिंबल देखना हो तो मैं इसको काम में लूँगा। लेकिन वापस क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट। देखो क्या आपसे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल पूछा है? ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछी है? नहीं पूछी, बल्कि क्या पूछी है, क्या पूछे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, क्या पूछे क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट। क्रिस्टल फील्ड सिंबल पूछा है ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछी है। क्रिस्टल फील्ड सिंबल पूछा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टी टू जी और ई जी इस तरह से होती, नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन टर्म की फॉर्म में दे रखा है तो ई जी को तो आप बना दो कैपिटल, टी टू जी को भी कैपिटल बना दो। और अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है भाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू यहाँ पर वन है, इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? एन प्लस वन की वैल्यू टू होगी ना, तो ये यहाँ पर ग्राउंड स्टेट होगा। ये होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक नहीं सॉरी क्रिस्टल फील्ड टर्म फॉर ग्राउंड स्टेट। और आपसे एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड टर्म ही पूछी है, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नहीं पूछी। यदि ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछता तो उस कंडीशन में सबसे पहले इसके लिए टर्म सिंबल निकालते, फिर उस टर्म सिंबल की स्प्लिटिंग देखते और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते कि ग्राउंड स्टेट पर क्या आता है। अभी हमसे क्रिस्टल फील्ड सिंबल पूछा है एक तरह से ग्राउंड स्टेट के लिए, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? टू टी टू जी कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई? ए ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देख क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, चलो इधर देखो सभी। द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल सीओ सेकंड कॉम्प्लेक्सेज आर रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान देना, सीओ सेकंड सीओ प्लस टू, देखो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। देखो एक तो हो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, इन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या पूछा है? ग्राउंड स्टेट, ये हो गया हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ग्राउंड स्टेट पूछी है आपसे। देखो इसकी बात करेंगे तो ये हो गया 3D7 का केस हो गया। अब देखो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल है तो 3D7 टर्म यहाँ पर कौन सी बनेगी? यहाँ पर बनेगी भाई 4F, ठीक है ना। 4F के साथ हम क्या लेते हैं? 4P लेते हैं एंड 4P। अब जब ऑर्गल यहाँ पर बनाओगे आप तो देखो ध्यान देना, D2 D7 का ऑर्गल इस साइड में बनेगा, इस साइड में ऑर्गल बनेगा तो T1G T2G फिर T1GP और A2G इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर होगा T1G T2G T1G, ये P के लिए होगा और A2G ये आप लिख दो A2G, ये होगा। मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? क्योंकि ये हो गया 4F एंड 4P का केस, तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 4 आएगी। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर ये ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी, ये ग्राउंड स्टेट। दूसरा किसके लिए पूछा है? टेट्राहेड्रल के लिए पूछा है। तो देखो ध्यान देना, D2 D7 ऑक्टा का ऑर्गल इधर बनेगा जबकि D2 D7 टेट्रा का ऑर्गल इधर बनेगा। अब इधर वाला ऑर्गल आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? यहाँ पर देखो हो तो गया ये 4F एंड 4P, ऑर्गल कैसे बनाओगे? 4T1G, ये P के लिए होगा, T1G P के लिए। अब आपको कंटिन्यू चलना है T1G T2G A2G, तो देखो T1G ये F के लिए होगा, T2G और A2G। लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं ना, तो टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ से G हटा दो, ये टेट्राहेड्रल का केस हो गया, यहाँ से आप G हटा दो, इसमें ये G यहाँ से हट जाएगा, तो T1 ये T1 ये T2 और यहाँ पर ये A2, ये केवल केस होगा। अब हमको बताने ग्राउंड स्टेट, तो देखो सबसे कम एनर्जी की टर्म ये है, ये यहाँ पर होगी ग्राउंड स्टेट। तो कुल मिलाकर देखो यार, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्राउंड स्टेट होगी 4T1G और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्राउंड स्टेट होगी 4A2। चलो मैच करना आप ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 12 नंबर।
इसमें देखो 4T1G एंड 4A2, 4T1G 4A2 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देख, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ NiH2 का होल 6 2 प्लस। देखो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, NiH2 का होल 6 और 2 प्लस। देखो यहाँ पर हो गया निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, तो 3D8 हो गया, 3D8 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसका ऑर्गल देखना है, क्योंकि आपको ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ पर डिसाइड करनी है। तो देखो D2 D7 का ऑर्गल इधर बनेगा, जबकि D3 D8 का ऑर्गल इधर बनेगा। तो इधर वाला ऑर्गल बनाना है, इधर वाला ऑर्गल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, T1G फिर T2G फिर A2G, इस तरह से बनाओगे। देखो यहाँ पर होगा 3F N 3P, इसका मतलब ये तो P के लिए हो गया, ये F के लिए हो गया, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3 3 3 यहाँ पर आएगा। तो कुल मिलाकर ये ग्राउंड स्टेट होगा। ऑर्गल आप बना सकते हैं, इधर वाला ऑर्गल बनाकर देखो, नीचे जो टर्म है वो कौन सी है, 3A2G। तो इसका मतलब है इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा वो कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो कौन सी होगी, 3A2G। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई इसमें, देखो यार 3A2G, सी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ये लिख रखा है भाई सबने, कर रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं, देख इधर देखना, देख क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, द टोटल डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म, द टोटल डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड टर्म ऑफ CO+2 हाई स्पिन इन ऑक्टाइडल ज्योमेट्री। देखो CO+2 हाई स्पिन ऑक्टाइडल, और इसके लिए ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी पूछी, द टोटल डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म। देखो आपसे पूछा है डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट पूछी। देखो जब भी डिजेनरेसी की बात हो तो कुल मिलाकर आप माइक्रो स्टेट निकाल लो, ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट की जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगी वही ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी कहलाएगी। अब समझना यहाँ पर, देखो CO+2 की बात करते हैं तो इसका मतलब D7 का केस है, और कौन सा है, हाई स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है ना। चलो इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 7 इलेक्ट्रॉन बनना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो +2 +1 0 -1 -2, देखो यहाँ पर हो गया +2 +1, L की वैल्यू 3 हो जाएगी, सबको आता ही है, 3 पर टर्म हो गई, F नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मल्टीप्लिसिटी होगी 4, तो यहाँ पर हो गया 4F। ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो कुल मिलाकर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल लिया, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है इसके डिजेनरेशन निकालो, तो कुल मिलाकर इसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आपको देखनी है। तो कुल मिलाकर देखो इसके माइक्रो स्टेट कितनी होगी, देखो 2s+1 फॉर्मूला बता रखा है, 2l+1। देखो 2s+1 ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, 2s+1 की जगह डायरेक्ट 4 लिख दो, और 2l+1 एफ के केस में L=3 होता है, तो यहाँ पर होगा 2 × 3 + 1, तो कुल मिला के 4 × 7 = 28। इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 28 होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एक्चुअली डीजनरेसी के बराबर होती है। तो कुल मिला के डीजनरेसी इक्वल कितना हो गया, डीजनरेसी इक्वल यहाँ पर हो गया 28। तो चलो देखो 28 कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में 28 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 to 14 तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कई तरह के नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पता चला होगा, समझ में आ रहा है। चलो करो इसको कंप्लीट नोट।